नमस्कार। इंडिया ही है या शी, ये सवाल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तमाम बुद्धिजीवी आ रहे हैं और इस बहस में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ये मुद्दा उठा कहां से, वो भी जान लीजिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बताते हैं। शुक्रवार देर रात देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हुआ। इस खबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। इसमें प्रशंसकों के साथ साथ देश के दिग्गज भी शामिल रहे। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि राहुल ने अपने ट्वीट की आखिरी लाइन में लिख दिया, इंडिया रिमेंबर्स हर फ्लाइंग सिख। इसी लाइन को लेकर राहुल गांधी की किरकिरी होने लगी। लोग कहने लगे कि राहुल ने मिल्खा का अपमान किया है और उनके लिए हर लिखकर उनका जेंडर ही चेंज कर दिया है। लोगों ने इस लाइन पर राहुल को पानी पी पी कर कोसा और शशि थरूर को भी बीच में घसीट लाए। यूजर्स कहने लगे कि पक्का थरूर ने ही इन्हें इंग्लिश सिखाई है। खैर, इंडिया ही है या शीज को लेकर बहसबाजी चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के नाम इंडिया पर रखे हैं। हो सकता है इसके बाद आपको राहुल की शी वाली लाइन सही भी लगने लगे। कई यूजर्स राहुल के इस बयान को ठीक बता भी रहे हैं। वहीं डीयू के पूर्व प्रोफेसर और इंग्लिश ग्रामर के विशेषज्ञ माने जाने वाले प्रोफेसर विलियम का कहना है, यहाँ पर इट्स आना चाहिए था। खैर, मुद्दे पर आते हैं। क्या आप जानते हैं, पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने अपनी बेटी का नाम इंडिया जेएनए रोड्स रखा है। ब्रिटिश एक्ट्रेस एमा फर्गुसन ने अपनी बेटी का नाम इंडिया फॉक्स ओवन रखा है। मार्वल फिल्मों में थॉर का कैरेक्टर निभाने वाले बेहद चर्चित एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने भी अपनी बेटी को इंडिया रोज नाम दिया है। कनाडा की जानी मानी सिंगर सारा मैकलाहन ने अपनी बेटी का नाम इंडिया एंड सुशील सूद रखा है। अमेरिकी सॉन्ग राइटर एरिक बेनेट ने अपनी बेटी का नाम इंडिया बेनेट रखा है। इनके अलावा हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टीन की बेटी का नाम इंडिया पर्ल विंस्टीन है। अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिसोल निकोल्स की बेटी के नाम में भी इंडिया शामिल है। उनकी बेटी का नाम रेन इंडिया लेक्सटन है। तो देखा आपने, इन सब स्टार्स ने अपनी बेटियों के नाम इंडिया पर रखे हैं। इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी ने गलत अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हालांकि वो सही है या नहीं, इसका फैसला तो बाद में होगा, उससे पहले सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बन रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।